यार मुझे कुछ करना ही होगा। ए, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, मजा आ जाएगा। अरे मित्सो तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ मित्सो तुम सड़क पर चलते चलते भी एक्सीडेंट कर लेते हो। अरे मित्सो क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं लगता मैं कभी भी स्कीबोर्ड पर स्कीइंग कर पाऊंगा। मुझे लगता है तुम हिम्मत हार रहे हो। हाँ मित्सो तुम्हें बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आज के लिए बहुत हो गया, जाओ घर जाओ। हाँ वही करता हूँ। चलो हम लोग तो खेलते हैं। फिर मिलेंगे। मैं इनके जैसा स्कीइंग कैसे करूँ, समझ गया। मेरा रोबोट है ना। हाँ तो आज का दिन कैसा रहा? मेरा दिन तो बहुत बढ़िया रहा। आज मैं तुम्हें एक मजेदार खेल सिखाऊंगा। मजेदार खेल सिखाओगे? पहले मैं रोबोट को स्कीइंग के तरीके सिखाऊंगा और बाद में उन्हें अपने दिमाग में ट्रांसफर कर लूंगा, ये सही होगा। जरूर दाल में कुछ काला है। क्या तुम भी? चलो एक बार और खड़े रहो। अरे कुछ तो दया करो, मैं पहले ही 10 बार गिर चुका हूँ, मैं और नहीं सह सकता। सिर्फ 10 बार गिरे हो ना, तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे 100 बार गिरे हो। चलो खड़े हो जाओ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो पता है परमैन, ये स्कीइंग मित्सो की बस की बात नहीं है। नहीं नहीं गांको ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा भाई है, तुम देख रही हो ना वो मेहनत कर रहा है। ए सेल्फिश मत बनो, मैं भला स्कीइंग क्यों करूं? मैं ये नहीं करूंगा, ये करने को मुझे दोबारा कहना भी मत, कह देता हूँ। हाँ अरे रुक जाओ मित्सो, गुस्सा क्यों करते हो, हम एक बार और कोशिश करेंगे। अरे शर्मन उसने उम्मीद छोड़ दी है। कुछ नहीं होता, मैं उसे किसी तरह समझा दूंगा, तुम देखती जाओ। मित्सो रुको। अरे वाह परमैन बहुत अच्छा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए है ना। प्लीज प्लीज मित्सो। नहीं 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 तुम कितना भी प्लीज कहो मैं ये नहीं करने वाला तो नहीं करने वाला, इससे बहुत दर्द होता है। तुम क्या जानो, तुम तो खुद कभी मेहनत करते नहीं हो, सारी मेहनत मुझी से करवाते हो। मैं इस बार नहीं करने वाला, कह देता हूँ। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ। अब एक काम करो, जल्दी से मुझे अपने असली रूप में बदल दो। चलो। अच्छा बाबा बदलता हूँ। ओहो लगता है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ मुझे लगता है ये जरूर काम करेगा, अब मित्सो का पैर इस पर से नहीं हटेगा। अरे गांको तुम ये क्या कर रही हो? मित्सो परमैन कहाँ है? परमैन वो तो चला गया। क्यों? क्या? मुझे लगता है कि वो चाहता है कि भैया अपने आप कोशिश करे, वो कितना अच्छा है ना। अरे तुम क्या बड़बड़ा रही हो, प्लीज मुझे इसकी बोर्ड दे दो ना, मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। ठीक है ले लो। इतनी आसानी से दे दिया, कोई गड़बड़ तो नहीं? चलो वो सब बाद में सोचूंगा, फिलहाल तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैंने सोचा था। अरे हाँ बोलो क्या बात है। पाको बोल रही हूँ, इमरजेंसी है, जिस हालत में उसी में आ जाओ, जल्दी करो। हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे वो अभी तक नहीं आया, कहाँ है वो बेवकूफ जो मुझसे मुकाबला करेगा? वो जल्दी आ जाएगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। अरे ये तो एक बच्चा है। ए ये आदमी कौन है? ये बहुत खतरनाक ड्राइविंग करता है। ये बात है, मुझे लगता है हमें इसे पुलिस के पास ले जाना चाहिए। ये पहले बहुत बार पुलिस स्टेशन जा चुका है, इससे कोई फायदा नहीं। इससे बात करना बेकार है, इसे लगता है कि ये दुनिया का सबसे तेज और बेहतरीन ड्राइवर है, क्यों है ना? अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं वही करूँगा जो तुम चाहते हो, मानते हो मेरी शर्त को? इसने कहा कि ये किसी बंदर या लड़की से मुकाबला नहीं करना चाहता, और इसने मुझे पागल भी कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम इसे हरा दो, इसे हरा दो परमैन। ओ तो इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? ठीक है मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, देखती जाओ। पर आसमान में उड़ने से काम नहीं चलेगा बच्चे। कोई बात नहीं, हम भागने की रेस लगाएंगे। अरे वाह तुम्हारे पास तो बहुत फायदे की चीज है। क्या ये? तो तय रहा, मेरी गाड़ी और तुम्हारा स्की बोर्ड, हम एक्सप्रेस हाईवे पर रेस करेंगे जो भी बंद रहा है। अरे पर तो फिर ठीक है शुरू करते हैं। पता नहीं क्या होगा। रेडी ये
ही क्या, तुम अभी तक गए नहीं? दरअसल मुझे स्कीइंग आती ही नहीं है, मैं क्या करूं? अरे तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वी 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 वी। कोई बात नहीं, पैरों से भागो। हाँ ये सही है, पर दरअसल मेरा पैर स्कीबोर्ड से चिपक गया था और निकल ही नहीं रहा। अरे बेवकूफ, तो अपने जूते निकालो ना। वी वी। अरे हाँ ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? हे, एक मिनट रुको। हाँ? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों बूबी? तुम दोनों क्या कर रहे हो? एक दो तीन। लगता है वो काफी पीछे रह गया है, थोड़ी देर आराम कर लो। बचाओ मुझे! अरे नहीं, अरे अरे नहीं, मैं उसे टकरा जाऊंगा। अरे अपनी चादर इस्तेमाल करो। अरे हाँ, ही जीतूंगा। अरे हाँ, अगर मैं अपनी चादर सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा तो मैं बैलेंस बनाकर आगे निकल जाऊंगा। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, देखते जाओ। अब थोड़ी देर इसके साथ खेलता हूँ। इन सारी चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, मैं जीतूंगा। कहाँ चला गया? कहाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? उल्टा लटक कर। बूबी, जब वो सुरंग से बाहर आएंगे तो सिर्फ 30 मीटर की दूरी बचेगी, हम जीत जाएंगे। विक्की विक्की, देखो आ गया। अरे नहीं, अब क्या होगा? वहाँ तो सड़क नहीं है। मैं जीत गया। अरे रुको 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 रुको, अरे मेरी चादर कहाँ गई? रुको। अरे रुको, कोई बचाओ। गुबी मदद करो। मेरी दोस्त, देखा तुमने, हम जीत गए। आगे से ऐसी शर्त लगाने की जिद कभी मत करना। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। आज समझ में आया कि इस तरह से रेसिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। सही कहा। अब मुझ में खुद उड़ने की ताकत ही नहीं है। हुआ, वो अच्छा ही हुआ। वो क्यों? तुमने उस बदमाश को सबक सिखाया और तुम बिना चादर के स्कीइंग करना सीख गए। हाँ, ये सही है, अब मुझे खुद पर भरोसा है, बहुत ज्यादा भरोसा। हे, अब मैं तुम्हें अपनी बेहतरीन स्कीइंग टेक्निक्स दिखाता हूँ। क्या, तुम्हारी बेहतरीन स्कीइंग टेक्निक्स? ये क्या है? जरा इधर देखो। अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखो मेरा कमाल। हे, मित्सुओ का तो कोई जवाब ही नहीं। कबाब मित्सुओ स्कीइंग करना सीख गया। मुझे तो लगता है उसने बहुत प्रैक्टिस की होगी। असली मुसीबत तो इसके बाद आने वाली है। वो सड़क। फिर से नहीं, चलती का नाम गाड़ी, लेकिन गाड़ी रुकनी भी तो चाहिए।